बहुत सारे हथियार भी किए हैं, उसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बात जो कार्यक्रम होने जा रहा है, और मुझे याद है कि आईआई के लोग जो मुझे मिले थे आपके पदाधिकारी बहुत सारे तो इधर चिट्ठियां तो बहुत आ रही थी आपकी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ते में मिसबेज हुई थी, जिससे कि कितना समय लग गया आपके और हमारे बीच में। और इधर जब से सरकार बनी हम समाजवादी पार्टी की, समाजवादी सरकार की कोशिश रही कि माहौल हम लोग बनाए और माहौल बनाए जिससे कि उत्तर प्रदेश भी खुशहाली के रास्ते पर निकल पड़े, और लगातार हम लोग प्रयास करते रहे। और उसकी शुरुआत हुई जब आगरा की समिट थी, जिसमें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश ने मिलकर के कार्यक्रम किया। वो भी मुझे हम लोगों को मौका एक राजनीतिक तौर पर मिला, क्योंकि एक पार्टी से कांग्रेस पार्टी जो केंद्र में सरकार में उनके संबंध खराब हो गए, तो वो ढूंढ रहे थे कि आखिरकार वो कार्यक्रम कहाँ किया जाए। उस मौके का लाभ हम लोगों ने उठाया और आगरा समिट हुई। उस समय जो अधिकारी और उस समय जो लोग उस काम को देख रहे थे, उन्होंने बहुत सारे साथियों ने भी कहा और प्रेस के लोगों ने भी लिखा कि जब कभी भी ऐसी समिट हुई है, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसी हुई है जहाँ इतने बड़े पैमाने पर उद्योगपति दुनिया से आए हैं और बड़े पैमाने पर उद्योगपति वहां पर आए हैं। इसके बाद हम लोगों को मौका मिला USIBC का एक डेलीगेशन हम लोगों से मिला था, और उसमें भी काम चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कैसा फैसला हो उस पर भी तय करेंगे। और इधर बहुत सारे देशों के बड़े बड़े एम्बेसडर, बड़े बड़े और उद्योगपति तमाम लोगों को समय समय पर मिले। उनका भी यही है मानना कि उत्तर प्रदेश में विकास होगा, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। यहाँ और प्रदेशों का नाम लिया जा रहा है, कुछ प्रदेश ने तो काम किए हैं और कुछ प्रदेशों ने इतना अच्छा मीडिया में माहौल बनाया है कि उनका प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। तीसरा चाहे कि नए उद्योग आए, नए उद्योग कारखाने लगे हैं, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति हो गए हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा, प्रेस के साथियों से भी कहा, जब उद्योगपति मिले उनसे भी मैंने कहा, और मैं आज आपके बीच कह रहा हूँ कि नए उद्योग कारखाने आए ठीक है, अच्छी बात, उनके लिए हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, इंसेंटिव दी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की और सरकार के अधिकारियों की हम लोगों की यह है कि जो चल रहे हैं उद्योग वो कैसे अच्छे चलें और वो उद्योग कैसे और इस पर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश भी तमाम और प्रदेश जो आगे दिखाई दे रहे हैं उनको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के पास है और प्रदेशों में हो ही नहीं सकता। किसी भी मामले में आपका प्रदेश पीछे नहीं, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो और या कृषि का क्षेत्र हो। लोग जरूर ये चर्चा करते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा हो जाए, लेकिन हमारे अधिकारी गण में जानकारी होगी उनको उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप APC भी हैं, तो मैं समझता हूँ शायद गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में पैदा हो और नाम है पंजाब का कि पंजाब गेहूं पैदा करता है, और सच्चाई और हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है। इसी तरह और भी चीजें हैं दूध में, दाल, दूध और दूध के उत्पादनों में, ये मानते हैं कि गुजरात से ज्यादा दूध भी पैदा ही नहीं हो, और वो भी कहीं ना कहीं रूप में सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा दूध अगर कहीं पैदा होता है तो वो भी उत्तर प्रदेश। बहुत सारी चीजें हैं हम और बातें भी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कोई मुकाबला नहीं, और जो प्रदेश है भी इतने जिलों में जहां कारखाने अपनी पहचान है कहीं देश में नहीं दिखाई देता, इतना बड़ा प्रदेश और हर जिले में कोई ना कोई कारखाना या कोई ना कोई अपनी पहचान उत्तर प्रदेश में है। कोई जिला आप उठा लेंगे, और क्योंकि आप उद्योगपति खुद हैं आप जानते हैं,
कि हर जिले की अपनी पहचान है, चाहे वो हमारा मुरादाबाद हो, सूरतबाद हो, अभी फरकाबाद के लोग दिखा रहे अपने जरूरी का काम, इसी तरह लखनऊ का अपना काम, कानपुर उद्योगपति उद्योगों का अपने तरीके से, ट्रेंडी का और भी उद्योग है, भदोही का, बनारस का, कोई जिला ऐसा नहीं है, रामपुर, सहारनपुर, कोई जिला नहीं होता जहां पर वहां उद्योग ना हो, अपनी पहचान न रखे, देश में कोई प्रदेश नहीं। और इन्हीं उद्योगपति इन्हीं उद्योगों को अगर हम लोग मदद कर रहे, सहयोग कर रहे और इनका रास्ता साफ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ देश नहीं बल्कि दुनिया के पैमाने पर आप। अभी जब मैं अध्यक्ष जी का भाषण सुन रहा था और मैंने शिक्षा उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या कारोबार है, तो बोले कि हम केबल बना रहे हैं और वो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं। तो मैं जानता हूँ थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं और गुस्सा हम लोगों का नहीं था, अधिकारियों का। और ये सच है कि राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी को तो आपने मंगा दी जो आपके बीच में रुकावट पैदा कर रही है। एक दल था, एक सरकार की जो कहीं कहीं रुकावट पैदा कर रही थी और कहीं कहीं डेमोक्रेसी में रुकावट पैदा बड़े पैमाने पर, उसको तो आपने हटा दिया। ये सही है कि कई जगह हम लोगों को भी इनकी रुकावट का नुकसान का सामना करना पड़ता है। और एक उदाहरण मुझे तरीके से बना है, एक मामला आया किसी जिले का, 5 महीने में हमने दिया कि काम कर लो, और जब कई बार पूछा तो बोला हो जाएगा, काम हो जाएगा, देख रहे हैं कैसे होगा, ये सब तरीका उन्होंने अपनाया कि बातें होती हैं अधिकारी जी को। और 5 महीने बाद जब मैंने कहा कि कल हो जाना चाहिए, तो पता लगा उस काम के खिलाफ 2 महीने की वो रिपोर्ट लगा दी। हमने कहा अच्छा, और उसके बाद जब हमने उनसे फोन पे इतना कहा के बनी कि हमारी मजबूरी है कि हम अच्छा बोलते हैं, ठीक ठाक बोलते हैं और आपका अपमान नहीं कर सकते, तो आप पता कर लो दूसरे अधिकारी ने 2 पन्ने की जो खिलाफ थी वो 2 लाइन ठीक कर दी। और अगर कहीं गलत बोल रहा हूं मैंने तो आप पता कर लो। तो ये सही है, और हमारे अधिकारी लोग भी जानते होंगे कि जब IAS फेल थी तो मैंने एक बात कही थी कि अगर नीचे से फाइल लगती है ऊपर तक और फिर आप ऊपर से नीचे भेज देते, आप कहते हैं कि क्लर्क ने रिपोर्ट नहीं लगाई, तो आप क्लर्क से बड़े सभी आप बड़े अधिकारी हैं, तो आप अगर क्लर्क की बात मान लोगे, नीचे वाले की बात मान लोगे, आप आइए कि एक साल समय खत्म हो गया है और हमारे जितने ये उद्योग लगाने वाले लोग हैं इनको 1% भी किसी तरह की परेशानी अधिकारी के माध्यम से देना नहीं। और अभी बताया कि बहुत सारी फाइलें महीनों रुकी रहती, हम कहेंगे कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो और जिस अधिकारी के पास जब सबसे ज्यादा फाइल होंगी पड़ी होंगी उसके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते का टाइम, क्योंकि सरकार चाहती है काम उद्योग लगे, रास्ता साफ हो, लेकिन जो रुकावट बनेगी उनके खिलाफ हम आपको मुख्यता दिलाने की भी कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना आपके हम लोग खुशहाली के रास्ते चल रहे और आपके लिए भी लगाएंगे, मदद करेंगे, जो जो योजनाएं हो सकती हैं जिससे लाभ होगा उद्योगों का या उद्योगपतियों का, उसका सहारा ले रहे हैं। केंद्र सरकार कहीं हमारे पश्चिम नहीं लगा सकती है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, कहीं भी उत्तर प्रदेश की सरकार विकास में रुकावट पैदा करें। क्लस्टर की जितनी योजनाएं की रुकी पड़ी थी उसको रास्ता साफ कर दिया, जमीन चाहिए तो जमीन दे दी, और भी किसी उद्योग के लिए उन्हें जमीन चाहिए वो भी दे दी, एम्स को लेकर के बहुत लड़ाई लड़ी गई और इतने बड़े पैमाने में लड़ाई लड़ी गई कि 5 साल तक कांग्रेस पार्टी एम्स के लिए जगह नहीं दे सकती,
समाजवादी पार्टी ने 6 महीने 7 महीने के अंदर एम्स की पूरी जमीन दे दी और एक ही पैसा नहीं देना पड़ा, मुफ्त जमीन हमारी सोच है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पर, उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की के रास्ते पर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चीजें गन्ने के मामले में, चीनी के मामले में, उद्योगों के मामले में, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी पैमाने का इंडस्ट्री किसी देश में प्रदेश में नहीं होगी जितनी आपके उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए हमें आपका लाभ लेना पड़ेगा और आपका सहयोग करना पड़ेगा, आपकी मदद करनी पड़ेगी जिससे कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर। इन शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हुआ, आपका धन्यवाद देता हुआ और आप लोगों ने कम समय में जो कार्यक्रम किया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह सरकार की नीतियाँ आपका सहयोग आपको बढ़ाने का काम करें, इसी तरह अधिकारी मिलकर के पूरे के पूरे उद्योगपतियों का और उद्योग लगाने वाले लोगों की मदद करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो उद्योग बंधु की तरफ से और उद्योग बंधु की तरफ से जो सहयोग और मदद मिलनी चाहिए उसकी लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे जिससे कि आपको पूरा सहयोग मिले। हर क्षेत्र में हम लोग काम करें, अच्छी सड़कों के मामले फोर लेन जितना भी हो वो भी कर रहे हैं, वो बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी आए और भी उद्योग लगे। लेकिन हमारी सरकार की जिम्मेदारी है आपके उद्योग आपके कारखाने फ्लोरिश हो और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।